Dear students, in this topic we shall discuss the foregut and study its various parts and discuss in detail the esophagus and crop. The foregut includes the food conducting region, esophagus, food storage region, stomach, it also includes crop in some animals esophagus is the part in which food enters after swallowing it is a tubular part which conducts food from pharynx to the stomach it does not produce any digestive enzymes or any secretions only the digestive action started by saliva in the buccal cavity continues during conduction through the esophagus. peristalsis, vo process, hai, jiske through esophagus, may food move, but hui, stomach, tak hai. peristalsis involves the waves of contraction and relaxation in the smooth muscles of walls of alimentary canal. ये जो प्रोसेस है पेरिस्टालसिस का ये वकल कैविटी से शुरू हो जाता है या फिर से शुरू हो जाता है और फिर कंटिन्यू रहता है टिल दी एंड ऑफ रेक्टम डियर फोर गट का एक पार्ट क्रॉप है जो कि कुछ एनिमल्स में पाया जाता है ये पार्ट एक सैक लाइक एक्सपेंडेड सेक्शन है जो कि एसोफेगस में मौजूद होता है It is used to store food without digesting. It is generally found in such animals which are either quick feeders or they are infrequent feeders. It allows the quantities of food to be stored for digestion at a later time. If animal ne quickly feed karna hai, तो वो फौरी फौरी अपनी फूड को क्रॉप में स्टोर करता चला जाता है जिसे वो बाद में डाइजेस्ट करेगा क्रॉप इज फाउंड इन मैनी बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट इन चिकन बर्ड्स आमतौर पर क्विक फीडर्स हैं, जिनको अगर कहीं पे जमीन के ऊपर दाने नजर आते हैं तो ऊपर से फ्लाइट करते हुए अचानक जमीन के ऊपर आते हैं और जल्दी जल्दी से फीड करते हैं और उसके बाद दोबारा अप्लाई कर जाते हैं इस दौरान में ये फूड को क्रॉप में स्टोर करते हैं जो जो के के इनफ्रीक्वेंट फीडर्स हैं, जो के बाद दफा कई वीक्स के बाद या महीनों के बाद फीड करती हैं और उन्होंने फूड को फोरी डाइजेस्ट नहीं कर लेना होता फूड को स्टोर करके रखना है इन अनडाइजेस्टेड फॉर्म तो इनके पास भी एक बहुत बड़ा क्रॉप होता है स्टूडेंट्स क्रॉप्स फूड को स्टोर करते हैं विदाउट डाइजेशन ये इनका मेजर फंक्शन है लेकिन इसके अलावा बाज एनिमल्स में क्रॉप में रखते हुए फूड की फर्मेंटेशन भी की जाती है दैट इज इट इज ट्रीटेड विद बैक्टेरियल एक्शंस कुछ एनिमल्स जिनमें आमतौर पर बर्ड्स आते हैं और पिजन इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है दे प्रिपेयर फूड फॉर द ने इन देयर क्रॉप जिसे पिजन्स मिल्क कहते हैं